देवली में श्रमिक दिवस के मौके पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा कई श्रमिकों का सम्मान किया गया। और जो भी मेहनत लोग जो पूरे भारत का निर्माण कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने ये तय किया कि वही श्रमिकों का सम्मान करें। आप लोग ही हैं जिनकी बदौलत इतना विकास और ये सारी चीज़ें दिखती हैं और सारे काम हमारे संभव हो पाते हैं। तो मैं अनुरोध करूँगा विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष भाई साहब कृष्ण गोपाल जी से और विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री भाई साहब जसवंत सिंह जी से। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री जसवंत सिंह चौहान एवं प्रखंड अध्यक्ष कृष्ण गोपाल शर्मा के सानिध्य में सोमवार को मजदूर दिवस के अवसर पर कई श्रमिकों का सम्मान किया गया। इस दौरान कृष्ण गोपाल शर्मा ने कहा कि श्रमिकों के बिना विकास की कल्पना बेमानी है। किसी भी फैक्ट्री, दुकान, होटल, कारखाने से लेकर देश में बनने वाले हथियार, सुई से लेकर परमाणु बम तक के निर्माण में भी सबसे अहम भूमिका एक श्रमिक की ही होती है। उन्होंने कहा कि आज संसार में चारों ओर खड़ी गगनचुंबी इमारतों के गुंबद तो सभी को दिखाई देते हैं, लेकिन नींव का पत्थर दिखाई नहीं देता है। उसी तरह श्रमिकों द्वारा की गई मेहनत भी दिखाई नहीं देती है। विश्व हिंदू परिषद ने नगर पालिका के जमादार ललित तेजी सहित मुकेश वर्मा, ओम प्रकाश, रूपेश वर्मा, शंकर बेरवा, सोजीलाल वर्मा, त्रिलोक मेघवंशी, दिनेश वर्मा, रमेश कीर, धर्मराज को ट्रॉफी व विश्व हिंदू परिषद का दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री जसवंत सिंह चौहान, प्रखंड अध्यक्ष कृष्ण गोपाल शर्मा, कोषा अध्यक्ष प्रहलाद सेन, उपाध्यक्ष महेंद्र गुज्जर, बजरंग दल के शहर संयोजक तेजेंद्र पारिक सहित नगर पालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन जितेंद्र चौधरी व अजय आर्य मौजूद रहे। दिवस मनाया जाता है, जितने भी हिंदुस्तान में कल कारखाने, फैक्ट्री या जितना भी विकास है वो सारा मजदूरों के ऊपर ही निर्भर होता है। अगर मजदूर नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं होगा। मजदूर दिखता नहीं है लेकिन नीम का पत्थर मजदूर ही होता है। इसलिए विश्व हिंदू परिषद ने आज मजदूरों के सम्मान स्वरूप सबको दुपट्टे पहना के सम्मान किया है। हमारा उद्देश्य मजदूरों का सम्मान करना है, उनके इज्जत की रक्षा करना है।